उपस्थित परमादरणीय रामकुमार यादव जी, जो हमेशा गरीब के हित अधिकार के लिए लड़ने वाला, चाहे गरीब किसान के रहे मुआवजा के बात रहे, चाहे जाति निवास के बात रहे, चाहे आरक्षण के बात रहे, हमेशा गरीब की आवाज़ प्रमुखता से उठाने वाला परम आदरणीय यादव जी उपस्थित मंच में, आदरणीय ज्ञानचंद चंद्रा जी, आदरणीय गुड्डू बरेठ जी जनपद सदस्य, भैया धीरान जी, आदरणीय चंद्र प्रकाश खुटे जी, भाई शशि जी, एवं उपस्थित यहाँ मंचस्थ अतिथिगण, उपस्थित यहाँ समस्त आयु बुद्धिजीवीगण, आप सबों का सादर अभिनंदन है। सबसे पहले आप सबों मैं धन्यवाद देता कि आज इस भरी गर्मी में आपन बहुत ध्यान से आज हमारे हक अधिकार आरक्षण के बारे में ध्यान से सुने हैं। जब हमारे देश गुलाम रही अंग्रेज मन के, तब 1857 में कोई ना कोई एक विचार पैदा करे कि हमारे देश ला आजाद करना है। जब भारत तो गुलाम रही अंग्रेज मन के, कदना गुलामी की जिंदगी लजिए है, मार खाई है, पिटान खाई है, गाली खाई है, तब जाके एक विचार, एक क्रांति पैदा करी 1857 में कोई भी ऐसे महापुरुष है। 1857 में जब एक जंग लग एक छड़ी 1857 के बाद 1947 में देश आजाद हुई। सोच सकते हो कई साल में हमारा भारत देश आजाद हुई। जब एक विचार बोई 1857 के बाद 1947 में देश आजाद हुई, 1950 में संविधान लागू हुई। संविधान लागू हुई तो सबके अपन अपन आरक्षण बांटे गए थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आरक्षण हमारे जो संविधान के लिए माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आधार से आरक्षण बांटे गए थे। तो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हम लोग अब तक कायदे से कितना आरक्षण मिलना चाहिए, 27% आरक्षण में हम लोग कतका देखे काट के 14% देख ले। 27 कुर्सी अगर रहतीस तो हमारे 27 आदमी लोग बैठे के जगह मिलतीस कि नहीं, मैं आप मतलब बोला था मिलतीस कि नहीं मिलतीस ना। तो आज 27 कुर्सी में नहीं रह के हमने 14 कुर्सी देते, बाकी लोग खड़े तो रही बैठी का नहीं बैठे। तो एक विचार, एक क्रांति पैदा करने वाला आदरणीय राम कुमार यादव मैं धन्यवाद देता कि हमेशा गरीब के जो लड़ाई के लिए प्रमुखता से आवाज उठाते हैं। आज गांव गांव में मैं जाके पांपलेट लगाते तक आते थे, गांव गांव में बहुत ऐसे व्यक्ति बनते थे, ये राम कुमार यादव पागल हो गए हैं गाय, अभी अपन पार्टी ने छोड़ के ये आरक्षण के लिए लड़ा थे। मैं आप मतलब पूछना चाहा था, आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ना उचित है कि अपन पार्टी विधायक बनने के लिए लड़ाई लड़ना उचित है? आरक्षण के लिए लड़ना उचित है ना? आज गांव गांव में वही कहते हैं सब पार्टी में, तो अपन छाप लेने की फिक्र थी, ये लोग विधायक एक बार बन जाना रही से, अगर ये विधायक बनतीस तो विधायक रखीस अपन कुर्सी के लिए लड़तीस, लेकिन आज हम गरीब के लिए लड़ते हैं। अब आज एक गरीब के लिए एक विचार पैदा करते थे, मैं धन्यवाद देता कि ऐसे व्यक्ति से हम जुड़े हैं, अपने आप में गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम ऐसे एक जनहित के काम में अपन थोड़ा सा भी सहयोग प्रदान कर सकते थे। मैं आप सबों बुद्धिजीवी कर लो, मैं भाई मल्ला मैं निवेदन करा था, जब जब यह देश में परिवर्तन लई तो गरीब आदमी हम इसी को परिवर्तन ला है। आज आप मन परिवर्तन ला सका था, युवा वर्ग में देश के आन बान साला देश के ताकत था, अगर आप मन जाग जहा तो आरक्षण का कहा हम लोग मांगों का हम छीन के लिए बोकर थे, लेकिन हम अपन अधिकार ला छोड़ा नहीं। अब तो आप मैं जाग गए हैं, आप मतलब एक विचार पैदा कर दी, पहले हम जाना भी नहीं आरक्षण का होते, बहुत से ऐसे पढ़े लिखे भाई मन है जब आरक्षण का हो पहला नहीं जाने। आज पूरा विस्तार से बताइए चंद्र प्रकाश खुटे जी ऐसे बहुत से बुद्धिजीवी गढ़ है, आप मतलब आरक्षण के बारे में बताई हूँ, आप मन जागा अपन हक अधिकार ले लवा, अगर अभी हम अपन अधिकार नहीं लगो तो आने वाला हुआ पीढ़ी है और दर दर के भटकी हम लगा ली दी, जैसे कि हमारे देश आजाद करी से आजम के नाम लगे थे उसने इतिहास में आप उनके नाम रख सकते हैं।